वन परिक्षेत्र खड़गांव में हाथियों के विचरण की खबरें आए दिन मिलती रहती हैं, जहां घने जंगलों में हाथियों को अक्सर देखा जाता है। वन परिक्षेत्र खड़गांव जो कि अन्य वन मंडल के वन परिक्षेत्रों से लगा हुआ है, जहां आमतौर पर कोरबा, कटघोरा एवं खड़गांव के जंगलों में इन हाथियों के दल को विचरण करते हुए देखा जाता है। हरे भरे वनस्पतियों से परिपूर्ण वन परिक्षेत्र खड़गांव, जहां हाथी अक्सर खाने की तलाश में खड़गांव के जंगलों के निकटीय ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण करते हुए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वन विभाग को ग्रामीणों के संरक्षण एवं हाथियों को वन क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों से दूर भगाने एवं उन्हें सुरक्षित करने के लिए दिन रात मशक्कत एवं ड्यूटी करनी पड़ती है। जब तक कि हाथियों का दल वहां जंगलों के रहवासियों से दूर न चला जाए। वर्तमान में हाथियों का दल वन परिक्षेत्र खड़गवा के बीच देवा डांड के ग्राम बेलकामार में विचरण करते हुए देखा गया, जिसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी खड़गवा अर्जुन सिंह एवं वन परिक्षेत्र खड़गवा के कर्मचारियों के द्वारा बीट देवा डांड के ग्राम बेलकामार में रात्रिकालीन हाथी ड्यूटी की जा रही है। फिलहाल परिस्थितियां वन विभाग की टीम के नियंत्रण में है। अभी तक किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को सतर्क रहने एवं हाथियों को किसी प्रकार भी छेड़खानी न करने की हिदायतें दी जा रही हैं। कोरिया से कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 4/2023 को भोर में 3 बजे रात को हाथियों को दलाया ग्राम बिलकामार में, एक घर को तोड़ा है और कुछ घर में रखा हुआ अनाज खाया है। और आज बीती रात को ग्राम जरौंधा में वही हाथी का दल 2 घरों को तोड़ा है, जिसमें एक घर का अनाज खाया है, एक घर को मात्र तोड़ा है और अनाज नहीं खाया है। इसके लिए मैं और मेरा स्टाफ सतत दिन रात निगरानी कर रहे हैं, ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं, मुनादी करा रहे हैं, उनको रात काल उनको सुरक्षित स्थान में जैसे स्कूल है, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन में ठहरा रहे हैं हम लोग, और हाथियों से दूरी बनाए रखने का उनको समझाइश दे रहे हैं। हाथियों के पास ना जाए, किसी प्रकार का छेड़छाड़ी ना करें, जान बचा रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम उनसे समझाते हैं, अगर फसल की क्षति हो गई, अनाज की घर की, तो उसका मुआवजा सरकार देती है। इस प्रकार गांव वालों को हम लोग समझाते हैं और सतत हम लोग दिन रात निगरानी में जुटे हुए हैं, मेरे स्टाफ।